पटेल समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, कालका प्रसाद बने मुख्य अतिथि। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की, जहां बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति महानगर एवं युवा पटेल वाहिनी महानगर झांसी के संयुक्त तत्वाधान में बलदेव भाई पटेल जूनियर हाई स्कूल हम मंडी रोड झांसी से शुभारंभ के मुख्य अतिथि झांसी ललितपुर जालौन की MLC श्रीमती रमा RP निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमूर्ति के रूप में PL वर्मा, झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, लोकमाता जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहूजी महाराज, महामना रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर सोनीलाल पटेल प्रतिमूर्ति घोड़े पर सवार होकर विशाल शोभा यात्रा लक्ष्मी गेट, बड़ा बाजार, मनिक चौक, कोतवाली, आसिक चौराहा, जीवन शाह इलाइट चौराहा होते हुए पटेल चौक को निकाली, तो विशाल शोभा यात्रा को देखने के लिए जनसैलाब भी उमड़ पड़ा। वहीं विशाल शोभा यात्रा पटेल चौक पर पहुंचकर अखंड भारत के शिल्पी लोहे पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि कालका प्रसाद पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष अपना दल S बुंदेलखंड प्रभारी ने माल्यार्पण किया। तत्पश्चात एक जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य अतिथि कालका प्रसाद पटेल ने दीप प्रज्वलित कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पटेला अवधेश निरंजन जिलाध्यक्ष ने की। अंत में आयोजन मंडल डॉक्टर BK निरंजन सानन सचान केंद्र पटेल रंजीत पटेल ने संयुक्त रूप से सभी का आभार भी प्रकट किया। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से हमारे विशेष संवाददाता विक्रम पटेल की रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले। सभी देशवासियों को मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि खंड खंड भारत को अखंडता का रूप देने वाले, एकता में परोने वाले सरदार पटेल जी की 146वीं जन्म जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, और चाहता हूँ कि देश का हर नागरिक सरदार पटेल के जीवन को अपने जीवन में उतारे तथा अपने परिवार को और देश को आगे बढ़ाने का एक काम करे। जय हिंद, जय पटेल, जय सरदार।